हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कूलम्स लॉ सीख रहे थे, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। वहां आपको बताया था कि कूलम्स लॉ की हेल्प से दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा वो तो हमने निकालना सीख लिया। क्या फॉर्मूला आया था? Q1 Q2 इफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, देन फॉर्मूला फॉर फोर्स इज Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और r स्क्वायर। क्वेश्चन ये आ हुआ था इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, इसीलिए आर्टिकल बना कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको वेक्टर्स के बारे में बताता हूं जो प्लस वन के अंदर पढ़ के आते हो। एक वेक्टर, इसके पास दो चीजें होती है, एक इसका मैग्नीट्यूड जिसको हम ऐसे लिखते हैं और एक इसकी डायरेक्शन। इसको रीड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इज रीड एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब सपोज ये दो चार्ज है हमारे पास Q1 एंड Q2, ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली डायरेक्शन, E1 और E2, क्योंकि यहां Q1 लिखा है तो 1 लिख दिया, Q2 लिखा है तो यहां 2 लिख दिया। ये कौन सी डायरेक्शन है? वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2, सो दिस इज नोन एज R12। और ये कौन सी डायरेक्शन है? वी आर मूविंग फ्रॉम 2 to 1, so this is written as R21। अगर मैं यहां लिखना चाहूं R12 हो या R21 हो, दोनों का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू R। R12 या R21 दोनों का मैग्नीट्यूड तो R ही है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। I can write R12 is equal to minus R21। सिमिलरली हम निकालना क्या चाहते हैं इस आर्टिकल के अंदर? फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। सपोज फर्स्ट आई हैव टू फाइंड F12, पहले इसको डिफाइन कर दूं, व्हाट इज F12? इसको बोलते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये आर्टिकल इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने में बहुत काम आता है, डायरेक्शन यहां निकालना सिखाते हैं, इसके बिना के मूव करना मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली यू कैन से F21, व्हाट इज F21? Force on 2 due to 1। पहले मैं निकाल रहा हूं F12 force on 1 Q1 के ऊपर Q2 के कारण force on 1 due to 2 कितना होगा? कितना का मतलब मैग्नीट्यूड तो लिखा था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, निकालना सीखा था Q1 Q2 over 4 pi epsilon naught R स्क्वायर, कितना लगेगा फोर्स? अब क्वेश्चन ये किस डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है, राइट हैंड साइड में अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन इतनी पड़ेगी, अदरवाइज इक्वेशन इज रॉन्ग। अब Q1 के ऊपर फोर्स Q2 के कारण किस डायरेक्शन में लगेगा? ये भी पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो Q2 क्या करेगा? Q2 को Q1 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी है? R21। तो यहां लिखूंगा मैं R21 cap। यहां वेक्टर का साइन नहीं लगाया, कारण ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहे हैं हम लोग। इसको मैं R से मल्टीप्लाई कर देता हूं, R से डिवाइड कर देता हूं, व्हाट इज R? यहां बताया आपको मैग्नीट्यूड है इन दोनों का। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कंप्लीट वेक्टर बनेगा। ये मिल गया आपने को Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और R³ इनटू R21 वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? नाउ F21 फोर्स ऑन 2 Q2 ड्यू टू Q1, Q1 Q2 को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, किस डायरेक्शन में जाएगा? तो यहां क्या लिखे हम? फोर्स कितना लगेगा? लगेगा तो इतना ही Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और R² इनटू R12। यहां R21 आया था, यहां 12 आया है, इसको R से मल्टीप्लाई करो, R से डिवाइड करो। सिमिलरली यू गेट Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और R³, यहां R12 वेक्टर। ये कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए
आर को आर टू वन से रिप्लेस कर सकते हो मैग्नीट्यूड की टर्म में। देखो आर ये सब इक्वल है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। यहीं रख कर देता हूं, आर को रिप्लेस किया किससे, आर टू वन के मैग्नीट्यूड से, क्यूब था एज इट इज लिख दिया। सिमिलरली हियर क्यू वन क्यू टू ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, आर क्यूब की जगह आर वन टू मैग्नीट्यूड का क्यूब ऊपर कंप्लीट वेक्टर। ये कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें। इस इक्वेशन नंबर वन बोलो आप, इक्वेशन नंबर टू बोलो। अब अगर हम वन को टू से डिवाइड करें, देखो क्या मिलता है आपको, डिवाइड इक्वेशन वन बाय टू, इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू, यू विल गेट F12 over F21. What you will get? जो मैग्नीट्यूड की टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी दोनों की, यहां मिलेगा अपने को R21 over R12, but R12 is equal to minus R21, minus E as it is over minus R21, we get minus 1 or F12 is equal to minus F12, और ये क्या सिग्निफाई करता है, ये कहता है जितना फोर्स 1-2 के ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स 2-1 के ऊपर लगा रहा है, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कई बार बोर्ड एग्जाम में यही पूछ लेते हैं, ड्राइव न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम कूलम्स लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा हमें। कोई प्रॉब्लम है तो इसे बोलिए। यहां एक वन मार्क्स क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। डज द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस अफेक्ट्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, क्या बोला मैंने आपको, डज द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, यहां कई चार्ज है Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, Q1, Q2 के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, डज द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, अदर चार्जेस का मतलब Q3 हो गया, Q4 हो गया, कुछ और भी है, डज द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस अफेक्ट्स द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, क्या आंसर आएगा, नो, क्योंकि Q1, Q2 के बीच में फोर्स निकालेंगे हम तो फोर्स तो उतना ही रहेगा, that will not change. Next article लेंगे हम लोग next video के अंदर, Coulomb's line position vector form. Position vector का मतलब क्या होता है? ये vector था। अभी तक हमने Coulomb's law के अंदर ये नहीं बात की Q1 कहाँ रखा हुआ है, Q2 कहाँ रखा हुआ है। Means we will also deal with the position of Q1 and Q2. An article will be Coulomb's law in position vector form. ये डाटा कर लो, तब तक नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं अपना कूलम्स लाइन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। थैंक यू।